नमस्कार बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने समय बहुत ही मूल्यवान है कविता का पाठ करे थे और इसका भाव समझे थे। आज हम इसके आगे का अभ्यास करना सीखेंगे। बच्चों पेज नंबर 12 निकालिए। भाषा ज्ञान फर्स्ट बिट। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत मतलब ऑपोजिट, उल्टे अर्थ वाले, ऑपोजिट लिखना है इसमें। फर्स्ट वाला रुकना, रुकना का ऑपोजिट क्या है? चलना, रुकना चलना। सेकेंड बिट नया, नया का ऑपोजिट क्या है? पुराना, नया पुराना। थर्ड बुरा, बुरा का ऑपोजिट क्या है? अच्छा, बुरा अच्छा। लास्ट वन सज्जन, सज्जन का ऑपोजिट क्या है? दुर्जन, सज्जन का उल्टा अर्थ क्या है? दुर्जन। बच्चों हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। रुकना, उसका ऑपोजिट चलना। नया, ऑपोजिट पुराना। बुरा अच्छा। सज्जन दुर्जन। नीर घोंसला, नीर जल, इनका उच्चारण लगभग एक जैसा है लेकिन वर्तनी और अर्थ अलग है। ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। कांटा काटा, दोनों का लगभग उच्चारण एक जैसा है लेकिन उसका अर्थ अलग है। कांटा मतलब नुकीली चीज को कहते हैं। काटा मतलब कतरना, किसी भी चीज को कतरना है। सेकेंड वन दिन, दीन, दिन दिन में छोटी की मात्रा है, दीन में बड़ी की मात्रा है। दिन, दिन का अर्थ है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब। नेक्स्ट अन्न, अन्य, अन्न अन्य, अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। नेक्स्ट बच्चों हंस, 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 हंस मतलब हंसना, हंस मतलब पक्षी। स्वान